Redmi 12 5G सीरीज 15,000 रुपीस के अंदर मार्केट में लॉन्च कर दी गई है, पर क्या हम Redmi 12 5G के साथ PUBG या फिर BGMI, Call of Duty, Free Fire इसके जैसे हेवी गेम खेल सकते हैं? और अगर ये गेम इस फोन के अंदर चल जाएंगे तो कौन सी बेस सेटिंग है जिनके ऊपर हमें ये गेम खेलने चाहिए? तो चलिए एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, किसी भी फोन में गेमिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके फोन के अंदर लगा हुआ प्रोसेसर। तो Redmi 12 5G के अंदर आपको Snapdragon 4 Gen 2 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस प्रोसेसर है, और AnTuTu स्कोर भी इस प्रोसेसर का एकदम अच्छा आता है। तो हाई एंड गेमिंग आप Redmi 12 5G के अंदर आराम से कर पाओगे। अगर आप Redmi 12 5G के अंदर Call of Duty खेलना चाहोगे तो दोस्तों बिल्कुल आप आराम से इसके अंदर Call of Duty खेल पाओगे, पर एकदम हाई सेटिंग के साथ आप इसके अंदर Call of Duty बिल्कुल भी नहीं खेल पाओगे। रिकमेंडेड सेटिंग अगर मैं Call of Duty की Redmi 12 5G के अंदर बताऊं तो ग्राफिक्स आपको यहां पे मीडियम पे और फ्रेम रेट हाई पे रखकर ही Call of Duty Redmi 12 5G के अंदर खेलना पड़ेगा। इस सेटिंग के साथ थोड़ा स्मूथ गेम प्ले आपको Redmi 12 5G के अंदर दिखाई देगा, और भी लो सेटिंग के साथ अगर आप Call of Duty Redmi 12 5G के अंदर खेलोगे तो और भी स्मूथ गेम प्ले आपको यहां पे देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं PUBG यानी BGMI की। अगर आप ये गेम Redmi 12 5G के अंदर खेलना चाहोगे तो ये गेम भी इसके अंदर आराम से चल जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्राफिक्स HD पे और फ्रेम रेट हाई पे रखकर आपको PUBG या फिर BGMI Redmi 12 5G के अंदर खेलना पड़ेगा, तो ही आपका गेम प्ले यहां पे स्मूथ होगा। हाई सेटिंग के साथ अगर यहां पे आप खेलने जाओगे तो आपकी फ्रेम ड्रॉप Redmi 12 5G के अंदर हो सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोग फ्री फायर के भी फैन हो, और फ्री फायर भी आप Redmi 12 5G के अंदर खेलना चाहोगे तो ये गेम भी आप Redmi 12 5G के अंदर आराम से खेल पाओगे। अगर मैं यहां पे सेटिंग की बात करूं तो फ्री फायर आप Redmi 12 5G के अंदर मैक्सिमम सेटिंग के साथ खेल सकते हो, पर अगर आप फ्री फायर Redmi 12 5G के अंदर मीडियम सेटिंग के ऊपर खेलोगे तो डेफिनेटली यहां पे आपका गेम प्ले एकदम स्मूथ होने वाला है। देखो, रेसिंग वर्ल्ड में Ash File 9 गेम हाई ग्राफिक के साथ आता है, तो अगर आप ये गेम Redmi 12 5G के अंदर खेलना चाहोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे Ash File 9 आराम से खेल पाओगे। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, Ash File 9 Redmi 12 5G के अंदर खेलते समय आपको मीडियम सेटिंग के ऊपर खेलना है, तभी आपका गेम प्ले यहाँ पे स्मूथ चलेगा। देखिए, बहुत सारे लोग Subway Surfer भी अपने फोन के अंदर खेलते हैं, तो Subway Surfer भी Redmi 12 5G के अंदर आराम से चलने वाला है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत या फिर लैग देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो रियल क्रिकेट 2022 हाई ग्राफिक के साथ आने वाला गेम है, और ये गेम अगर आप Redmi 12 5G के अंदर खेलना चाहोगे तो ये गेम भी आराम से खेल पाओगे। बस मैक्सिमम सेटिंग पे अगर आप ये गेम खेलने की कोशिश करोगे तो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे फ्रेम लैग की दिक्कत आ सकती है, इसलिए मीडियम या फिर लो सेटिंग के ऊपर ही रियल क्रिकेट 2022 आपको Redmi 12 5G के अंदर खेलना है। इन रिकमेंडेड सेटिंग के साथ अगर आप Redmi 12 5G के अंदर PUBG, BGMI, Free Fire, Call of Duty ये सारे गेम्स प्ले करते हो तो आपको कोई भी ग्लिच या फिर बग देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके Redmi 12 5G के गेमिंग के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और आप टेक ब्यूरो के ऊपर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा टेक ब्यूरो के ऊपर आपके लिए लेकर आता रहता हूं। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।